हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाले रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से विद अ ट्रिक। तो जो भी मैट्रिक्स हो, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो हम क्या करेंगे, हम एक पैटर्न में चलेंगे। इसे क्या बनाना है, इसको बनाना है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 100010001 ये बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कहीं से भी नहीं लेंगे, हम एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहले ए का काम करेंगे, मतलब ए को 1 बनाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, बी में, फिर सी, फिर ई, एफ आई एच जी डी। तो बेसिकली हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। इस पैटर्न को तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले हमें इसे इसका काम करना है, इसको बनाना है 1। क्या करेंगे, ऑपरेशंस, R1 में हम लोग क्या प्लस कर देंगे, R2, R1 प्लस R2, ये क्या हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5, और फिर यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 1 2 3, ये हो गया 3 1 1 इक्वल्स टू 1 1 0 0 1 0 0 0 1। अब इसका काम करना है, तो कैसे करेंगे, इन R2 माइनस R1, 1 3 5, ये 0, माइनस 1, ये क्या हो गया, माइनस 2, ये हो गया 3 1 1। सेम चीज़ यहाँ पे होगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला में माइनस होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, ये 0, ये क्या हो गया, 0 0 0 1। ये हो गया, अब ये करना है, ये कैसे करेंगे, ऑपरेशन इन R3, R3 माइनस 3 R1, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सेम, इसके नीचे वाला भी सेम, इसके वाला में इसका 3 गुना माइनस करेंगे, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 9 माइनस 8, 1 माइनस 15 माइनस 14, ये सेम, ये भी सेम, और इसमें क्या माइनस करेंगे, ऊपर का 3 गुना, 0 माइनस 3 माइनस 3 0 माइनस 3 माइनस 3, ये 1 ना हो गया। अब आगे हमारे पास आया था कुछ ऐसा, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब पैटर्न के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा इधर, तो इसके बाद काम करना है इसको, इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है प्लस 1, ये माइनस 1 को बनाना है प्लस 1। तो क्या करेंगे, R2 को हम लोग माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ से इन R2 विल डू ऑपरेशन, माइनस 1 इंटू R2, इट विल कम 1 3 5, ये 0, ये प्लस 1, ये प्लस 2, ये 0, माइनस 8, माइनस 14 इक्वल्स टू, ये हो गया 1 1 0, ये हो गया 1 0 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस 3, माइनस 3, और ये 1, ये हो गया। अब हमें जाना है इस पे, इसको बनाना है 0, तो कैसे बनाएंगे 0, इन R3 क्या करेंगे हम लोग, R3 प्लस 8 R2, ये हो जाएगा 1 3 5 0 1 2, ये तो 0, ये हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, 8 R2 मतलब 16, प्लस 16 माइनस 15 प्लस 2,
और क्या हो गया माइ 110 100, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, R3 प्लस 8 R2, प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5, ये -3, ये 1, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है यहाँ, इसको बनाना है क्या 1, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग R3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/2 से, R3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 135012, यही 001, सेम चीज इधर भी करेंगे, ये हो गया 110 100, ये हो गया 5, ये हो गया 5/2, ये हो गया -3/2, ये हो गया 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है इस 2 को 0 करना। तो कैसे 0 कर सकते हैं, अगर हम लोग R2 में एक ऑपरेशन करें, R2 में हम लोग 2 ऑफ R3 माइनस करते हैं, ये 0 होगा, तो इसको इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वही करते हैं, 135 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू 110 1 -5 -4 0 -3 +3 और 0 -2 × ½, दैट इज 0 -2 × ½ -1, ओके माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वही रहेगा 5/2 -3/2 और 1/2, ओके। अब ये काम हो गया, अब क्या करना है हमको, इसको बनाना है 0। कैसे बना सकते हैं 0, एक R1 में हम ऑपरेशन करें, यहाँ की R1 में हम लोग माइनस कर दें 5 ऑफ R3, ठीक है, तो क्या होगा 1 -0 1, 3 -0 3, 5 -5 0, 0 1 0 0 0 1, सेम काम यहाँ करना है, कैसे करेंगे देखते हैं, R1 -25/2, दैट इज 1 -25/2, 25/2 क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा -23/2, अब 1 - -1 - -, दैट इज +1 + 15/2, दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे 17/2, 17/2, 0 -5/2, -5/2, बाकी सबसे -4 3 -1 5/2 -3/2 और यहाँ पे 1/2। अब क्या करना है, इसको बनाना है 0, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं कि R1 में अगर हम लोग R1 -3 R2 कर दे तो काम हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आ गया। अब सेम काम हम उधर करते हैं, उधर क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा इसका हो जाएगा हाफ, यहाँ पे -½ -4, यहाँ पे हो जाएगा 3 -1 5/2 -3/2 1/2, ये हो गया हमारा A का इन्वर्स।